हेलो एवरी वन वेलकम यू ऑल तो आज का टॉपिक हमारा है एविडेंस एंड क्रिटिसिज्म टू डॉर्निज़्मॉर्नस थोड़ी ऑफ नेचर सिलेक्शन इज़ टूडे रिकोगनाइज एज मैन फैक्टर इन द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गनिज्म देखो हमें पता है कि जो डोनिज्म जो है इज़ अ मैन फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन का ही फैक्टर है क्योंकि इससे हमें पता चला है कि एवोल्यूशन है क्या तो इसके कुछ एविडेंसेज जो इसको सपोर्ट करते हैं सबसे पहला जो है वह है आर्टिफिशियल सिलेक्शन देखो आर्टिफिशल सिलेक्शन क्या होता है इसके अंदर सिलेक्शन हो जाते हैं ऑर्गनिजम की फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टॉक से जो एक्स पहले ही करता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे या बाय ब्रीडिंग से करते हैं इंटर ब्रीडिंग से करते हैं या क्रॉस ब्रीडिंग से करते हैं उसके बाद हम यहाँ पे जो रिज़ल्ट यहाँ पे आ जाता है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड कहते हैं यहाँ पे उस हाइब्रिड को हम सेलेक्ट करते हैं बेस्ट हाइब्रिड को देखो क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से क्या हुआ है आज अगर देखते हैं हम बहुत सारे क्रॉपस आ चुके हैं नए नए वैरायटी के वेजिटेबल्स आ चुके हैं पिजनस डॉग्स पोल्ट्री ये सारे आ चुके हैं आर्टिफिशल सिलेक्शन से तो यहाँ पे आर्टिफिशल सिलेक्शन जो होता है इसका एक पेलिज़म होता है नेचर सिलेक्शन के साथ तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इज़ ए क्लोज पारलिज़म बिटवीन नेचर सिलेक्शन एंड आर्टिफिशल सिलेक्शन देखो इंसान ने बहुत सारे रेसेस बनाए हैं डॉग्स के हॉर्स के पोल्ट्री के शिपस के पिग्स के गोड्स के हैवन डेवलप्ड बाय मैन देखो अगर इंसान इसको प्रोड्यूस कर सकता है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर तो सीधी सी बात है कि नेचर भी प्रोड्यूस कर सकता है उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है वो भी प्रोड्यूस कर सकता है न्यू स्पेशीज़ बाय सिलेक्शन से अब हम देखेंगे एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर एक वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट है जिसका बॉटनिकल नाम है ब्रासिका ऑल इट इज़ अ वाइल्ड प्लांट तो इसकी डिफरेंट पार्ट से हम उसको मॉडिफाई करके एक न्यू वेरायटी ऑफ फूड क्रॉप तैयार कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कोल रबी बना है स्टिम से केल बना है लीव से ब्रकोली बना है फ्लावर बर्ड से एंड स्टिम से बना है ब्रसल स्प्रॉट्स बने हैं लेटर लीव बर्ड से कैबेज जो बना है वो टर्मिनल लीव बर्ड से बना है कॉलीफ्लावर बना है फ्लावर बर्ड से तो इसका ये मतलब यहाँ पे है कि इट्स आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टॉक कौन सा है आप इट अ वाइल्ड मस्टर्ड तो इससे क्या बने हैं आप न्यू वरायटीज़ बने हैं यहाँ पर इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो डॉग्स के नए नए वराइटीज़ है आज बुल है कूली है तो ये सारे बने हैं फ्राम द वलभ से बने हैं तो वुलुभ जो यहाँ पर इट्ज ऐग स्टॉक तो उसको यहाँ पर क्रॉस ब्रीड किया गया है तो जिसकी वजह से नए नए वराइटीज़ बने हैं फ्रिजन की बात करेंगे तो फ्रिजन के बहुत सारे स्पेशज भी है आज तो वो सारे बने हैं वाइल्ड से तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ एक और चीज़ है यहाँ पे आप यहाँ पे मेज़ भी देख सकते हो कि वाइल्ड मेज़ कैसा था पहले उसकी फिर हुई है क्रॉस ब्रीडिंग तो आज का वीज मेज़ आपके सामने कैसा है यहाँ यहाँ बुलर्स की बात करेंगे तो हम बुलर्ज इन नाइनटीन फिफ्टी सेवन के अंदर कैसे थे नाइन्टीन सेवेंटी एट के अंदर कैसे थे टू थाउजेंड फाइव के अंदर बहुत मोटे हैं तो ये भी बने हैं बाय द आर्टिफिशियल सेलेक्शन से अब हम दूसरा देखते हैं एवडियन दैट इज मेमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलोशन मेमिक्री एंड प्रोटेक्ट एनिमल्स कैन बी अचीव्ड ओनली बाय ग्रेजुअल चेंजेस ऑकरिंग साइड बाय साइड बोथ इन मॉडल एंड मिमिक ऑक्यूपाइंग द सेम एरिया देखो पहले हम देखेंगे कि मॉडल किसको कहते हैं और मिमिक किसको हम कहते हैं देखो आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एक सांप है यहाँ पे स्नेक स्नैक टर्न कॉल स्नेक ये विनमस होते हैं जहरीले होते हैं इनको अक्सर जो प्रीडेटर्स होते हैं उनको नहीं, नहीं खाते क्योंकि जहरीले होते हैं तो यहाँ पे दूसरा है दैट इज़ स्कॉर्ट किंग स्नेक ये होते हैं नॉन विनमस मगर यहाँ पे कॉपी कर लेता है किसकी मॉडल की तो मॉडल कौन सा है यहाँ पर विनमस है यहाँ पर तो मिमिक कौन है अब यहाँ पर नॉन विनमस तो ये कॉपी कर लेता है ये फॉलो करता है मॉडल को ही फॉलो करता है तो इसकी अपेयरेंस आप देख सकते हो ये अपेयर करता है किसके साथ विनमस के साथ तो ये बच जाता है यहाँ पे दूसरा यहाँ पे एग्जांपल है वाइस वाइसराय बटरफ्लाई एंड मीनारश बटरफ्लाई जो ये मोनारश बटरफ्लाई है होते हैं इनको हम कहते हैं मॉडल, क्योंकि ये डेस्ट डिसटेस्टफुल होते, होते हैं इनको अक्सर जो बर्डर्स होते हैं उनको नहीं खाते हैं, क्योंकि ये टेस्ट में अच्छे नहीं होते हैं और दूसरे इनके जो तो निकल कर लेता है यहाँ पे कॉफ़ी कर लेता है यहाँ पर उनको हम कहते हैं वाइसराय बटरफ्लाई है, डाइटे से मिमिक और ये होते हैं प्लेटेबल ये टेस्टी होते हैं अब ये बच जाते हैं क्योंकि ये रिजनेबल करता है यहाँ पे नकल कर लेता है यहाँ पे किसका मोनारश बटरफ्लाई का क्योंकि जो बॉर्डर्स होते हैं पता होता है कि मोनारश बटरफ्लाई जो होते हैं ये डिसटेस्टफल होते हैं मगर यहाँ पर कॉपी कर लेता है जो वायसराय होता है ये कॉपी कर लेते हैं मोनारश के इसलिए जो बर्डर्स होते हैं वो मोनारिस वायसराय को भी नहीं खाते क्योंकि उनके लगता है कि शायद ये भी मोनारशी है तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे कैम फ्लिज और मक्री के बीच में जो कैमोफ्ले जो होता है इसके आग, इसके अंदर जो ऑर्गनिजम्स होते हैं वो अपने आप को बचाते हैं वो ब्लेंड करते हैं सराउंडिंग के साथ यानी कि रिजेंबल करते हैं वो सराउंडिंग के साथ इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है फ्रेगमेंट्स है इसका लीफ इंसेक्ट है स्टिक इंसेक्ट है वो रिजेंबल करते हैं बैकग्राउंड के साथ तो ऑटोमेटिकली क्या होता है यहाँ पे जो प्रीडेटर्स होते हैं उनको नहीं पहचान पाते हैं प्री को तो उनको नहीं खाते हैं वो ये बच जाते हैं यहाँ पर तो मेमोरी का मतलब होता है रिजम्बलेंस ऑफ वन ऑर्गनिज्म टू अनदर जो अभी हमने देखा स्नैक्स के बारे में हमने देखा अभी या मोनार्च वायसरा बटरफ्लाई के बीच में हमने देखा तो यहाँ पे रिजम्बल करते हैं वन अनदर के साथ और ये बच जाते हैं तो इनका एडॉप्टेशन हो जाता है थर्ड एविडेंस इज़ कोरेशन बिटवीन पोजिशन ऑफ नेक्टर्स इन फ्लावर्स एंड लेंथ ऑफ प्रोबोस ऑफ पॉलनेटिंग इंसेक्ट्स देखो जो प्रोपस होता है एक चोंच जैसा होता है इनकी इंसेक्ट्स की होते है जिसकी वजह से वो नेक्टर को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द फ्लावर्स से हमें पता है कि जो फ्लावर्स होते हैं इनका हर हर एक फ्लावर का अपना पर्टिकुलर इंसेक्ट होता है जो उसको पोलिनेट करता है जो फ्लावर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं नेक्टर्स इंसेक्ट को और यही हर एक फ्लावर जो होता है इसके अंदर जो नेक्टर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डेप्थ के अंदर होते हैं इसलिए जो इंसेक्ट्स होते हैं इनका प्रोपस जो होता है किसी का छोटा होता है किसी का बड़ा होता है तो उसी के फ्लावर के हिसाब से वो चले जाते हैं जिसकी चोंच बड़ी होगी तो वो उसी फ्लावर के अंदर चला जाएगा वहाँ पे तो यहाँ पे, तो पे हम कह सकते हैं कि जो प्रोबोस होता है और नेक्टर होता है इनका एक कॉरलेशन होता है बिटवीन द टू तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द कॉरेशन बिटवीन टू ऑर्गनिज्म कैन डिवलप ओनली वेन द टू इवॉल्व ग्रेजुअली साइड बाई साइड थ्रू सूटेबल वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन अब हम देखते हैं क्रिटिसज ऑफ डॉर्निजम और ऑब्जेक्शन टू डॉर्न थोरी ऑफ नेचर सिलेक्शन तो आप हम क्रिटिसाइज़ करेंगे डार्न थोरी को या इसके ऑबजेक्शन देखेंगे. <laughs> देखेंगे हम डॉर्न थोरी वॉज सो रीजनेबल एंड वेल डॉक्यूमेंटेड दैट मोस्ट बायलॉजिट सोन एक्सेप्ट बट वॉज एक्टेड बाई सड ओवन एंड एडम सजविक देखो यहाँ पर डारन थोरी को तो एक्सेप्ट किया गया था बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने क्योंकि डॉन थोरी जो थी रीजनेबल थी और वेल डॉक्यूमेंट थी मगर उसके साथ साथ बहुत सारे क्लर्जीमैन्स जैसे क्लर्जीमैन को कहते हैं जो क्रिश्चन मिनिस्ट्री के होते हैं जैसे कि प्रीस्ट बिशप्स होते हैं या कुछ साइंटिस्ट जैसे कि सरिचर ओवन एडम सैजविक ने इसको अटैक किया था इसकी क्रिटिसाइज को हाईलाइट किया था यहाँ पर तो सबसे पहला है डार्स थोड़ी स्ट्रेस अपॉन स्मॉल फ्लक्चुएशनस विच आर टू ए लार्ज एक्सटेंट नॉट इनहेरिटेबल एंड कैन प्ले नो पार इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन दारू स्ट्रेस दे रहा था या वो बिलीव कर रहा था कि जो न्यू स्पीशीज़ बनते हैं वो बनते हैं ड्यू टू द एकोमोशन ऑफ स्मॉल वेरिएशन तो आखिर आप देखेंगे स्मॉल वेरिएशन का कोई भी रोल नहीं होता है एवोल्यूशन के अंदर क्योंकि वो तभी अपेयर हो जाते हैं जब रिशफलिंग ऑफ जीन्स होता है ड्यू टू द सेग्रीगेशन इन इनमीस के अंदर या क्रॉसिंग ओवर जोरिंग द फर्टिलाइजेशन के अंदर तब ये डेवलप हो जाते हैं तो उनका कोई भी रोल नहीं होता है एवोल्यूशन के अंदर अब दूसरा जो है इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ यूज़ एंड डिस यूज़ एंड प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजल ऑर्गन्स देखो ये पॉइंट जो है जो लिमो ने कहा था कि जो ऑर्गन यूज़ हो जाते हैं वही हो जाते हैं ट्रांसफर होता है हो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर और ऑर्गन तो वो जिस यूज हो जाते हैं वो बन जाते हैं वेस्टजल ऑर्गन क्योंकि हमें पता है कि हर एक ऑर्गनिज़म के बॉडी के अंदर वेस्टिजल ऑर्गन होते हैं वो कहाँ से आए तो इसके बारे में डारो ने कुछ भी नहीं कहा दर्ड पॉइंट इज़ ही डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोमेटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन एंड कंसीडर्ड ऑल वेरिएशन एज हरीटेबल तो इस तरह यहाँ पे डिफ्रेंस नहीं किया कि सोमेटिक वेरिएशन क्या होते हैं जर्मिनल वेरिएशन क्या होते हैं क्योंकि सोमेटिक वेरिएशन जो होते हैं वो सोमेटिक सेल्स के अंदर होते हैं जो बॉडी को बनाते हैं और जर्मनल वेस्टिकल्स वो होते हैं जो पास हो जाते हैं टो द नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इन्हें कहा कि दोनों जो होते हैं सोमेटिक या जर्मनल वेरिएशन जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं टू द नेस्ट जनरेशन के अंदर फोर्थ पॉइंट इज डॉर्गनिज्म एक्सप्ल द सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट बट नॉट ऑफ द फिटेस्ट तो यहाँ पे ये यह कहता है कि जो सर्वाइव सर्वाइवल ऑफ़ फिटेस्ट एक्सप्लेन कर लेता है डारे मगर ये नहीं कहता है कि जो फिटेस्ट वो कहाँ से आए कब आया वो ओवर स्पेशलाइजेशन तो ओवर स्पेशलाइज ऑर्गन वो होते हैं जो ग्रो करते हैं बियॉन्ड द मैक्सिमम यूजफुलनेस और ये बन जाते हैं हिंड्रेंस टू द दर्गनिज्म इसके भी एग्जाम्पल बहुत सारे ब्रांचड एंटलर्स ऑफ डियर है या टस्कस ऑफ एलिफेंट्स such organs could not be selected beyond the level of optimum usefulness. देखो डारून ने अपनी बुक जो लिखी थी वो लिखी थी इसने 1844 के अंदर और इसे पब्लिश किया था इसने बहुत टाइम के बाद 1858 के अंदर तो इसका यही रीज़न है क्योंकि क्योंकि जो लोग थे वहाँ पे उनको उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था यहाँ रिलीजियस बिलीफ की वजह से उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था इसलिए टाइम ज़्यादा लगा एटीन में इसने लिखा और पब्लिश किया एटीन के अंदर